चुके हो। आज हम राहुल संस्कृत्या जी का जीवन परिचय देखेंगे। महापंडित राहुल संस्कृत्या जी का जन्म उनके नाना के यहाँ गांव 15 आजमगढ़ में 1893 ईस्वी में हुआ था। राहुल संस्कृत्या जी का जन्म उनके नाना के घर पे 15 ग्राम आजमगढ़ में हुआ था। आज जो आजमगढ़ जिला है उसी आजमगढ़ जिले के 15 गांव में हुआ था तथा उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बचपन में लोगों ने केदारनाथ पांडे कहते थे, बाद में इनका नाम राहुल पड़ा। राहुल पड़ा संस्कृत्या पड़ा। बहुत धर्म की आस्था के कारण उन्होंने अपना नाम राहुल धरा। उन्होंने अपना नाम स्वयं ही राहुल रख लिया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। बौद्ध धर्म को वो बहुत प्रिय मानते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की फराह तथा आजमगढ़ में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनकी रानी की फराह हुई आजमगढ़ में। इनके नाना जो थे, उसमें लिखा नहीं हुआ, इसके नाना जो थे एक सिपाही सैनिक थे। वो अनेक यात्राओं पर घूमते थे तो इन्हें आके यात्रा वृत्तान की कथा सुनाया करते थे। वो ये उसको कथाओं को सुनकर एक प्राकृतिक रूप से यात्रा वृत्तान का घुमक्कड़ी होने का लक्ष्य अपना बना लिए तथा फिर इनके जिंदगी में एक शेर बार बार आती रही जिसके लिए घुमक्कड़ी हो गए थे। पैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी रह गई तो नौजवानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की काफिल सैर कर ले, मतलब दुनिया में तू सैर कर ले, जिंदगानी फिर कहाँ है, फिर जिंदगानी नहीं मिलेगी। दुनिया की तुम सैर कर ले फिर ये जिंदगानी नहीं मिलेगी। अगर जिंदगानी थोड़ी बहुत रह गई मिल भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ, फिर ये नौजवानी नहीं मिलेगी। घुमक्कड़ी जीवन जीते हुए यात्रा वृत्तान लिखते हुए वन 1963 में स्वर्ग सितार गए। 1963 में स्वर्ग सितार गए उनकी रचनाएँ देखेंगे। इनकी प्रमुख मुख्य जो रचनाएं हैं वो कनेला की कथा, सबसे प्रमुख रचनाएं है फतमी के बच्चे, ये तो बहुत मतलब ठीक है। यात्रा वृत्तान ये सब कहानी है, मेरी जीवन यात्रा, दर्प दिग्दर्शन आदि इनकी रचनाएं हैं। और अब हम अगले वीडियो में इनका प्राथमिक परिचय देखेंगे। धन्यवाद।